नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अगर आपके अंगूठे पर भी है अर्धचंद्र का निशान तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि आपके अंगूठे पर मौजूद अर्धचंद्र का यह निशान किस तरह आपके जीवन में हलचल मचा सकता है। तो दोस्तों, जल्दी से अपना अंगूठा देखिए और पता लगाइए कि कहीं आपके अंगूठे पर भी तो अर्धचंद्र का निशान नहीं है, कहीं यह अर्धचंद्र का निशान ही तो आपकी गरीबी का कारण नहीं है। और आखिर क्या संकेत देता है हमारे नाखून पर बने हुए आधे चांद का यह निशान? क्या यही निशान हमारी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति के बारे में बता सकता है? क्या यह अर्धचंद्र का निशान ही हमारे जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम का संकेत देता है? अगर हमारे हाथ में ये अर्धचंद्र का निशान है तो आखिर इस अर्धचंद्र के निशान का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अंगूठे पर अर्धचंद्र के निशान से जुड़े सभी रहस्यों के बारे में अपने भक्तों को बताया है। इसी के साथ गुरु जी ने चावल के दाने के कई उपाय भी बताए हैं जिनसे आप अपने जीवन में अर्धचंद्र के इस निशान से जुड़े दोषों को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सामुद्रिक शास्त्र नाम का एक ग्रंथ है जिसमें हमारे शरीर के हर एक अंग का महत्व विस्तार से बताया गया है। यही सामुद्रिक शास्त्र बताता है कि जिस तरह हमारे हाथ की लकीरें हमारी किस्मत के बारे में बताती हैं, उसी तरह नाखूनों का महत्व भी हमारे जीवन में कई गुना ज्यादा होता है। इससे न केवल हम अपने जीवन में चल रही शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में पता लगा सकते हैं, बल्कि आने वाली जिंदगी में हमें किस तरह के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लाभ और हानि मिलेंगे, इसके बारे में भी पता कर सकते हैं। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि जिन लोगों के अंगूठे और उंगलियों में अर्धचंद्र का निशान होता है, वास्तव में उन लोगों के जीवन पर इसका क्या असर होता है। अगर आपकी मध्यमा उंगली पर आधे चांद का निशान बना हुआ होता है तो ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे लोगों की जिंदगी में उनके कोई करीबी कट्टर दुश्मन होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आपको अपने आसपास के लोगों से और ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर आपकी अनामिका उंगली यानी कि अगर आपकी रिंग फिंगर पर आधे चांद का निशान बनता है तो यह आपके जीवन में आने वाले मान सम्मान, यश और कीर्ति का प्रतीक होता है। आपकी अनामिका उंगली पर बना हुआ अर्धचंद्र आपके प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। यह बताता है कि आपके जीवन साथी आपके प्रति कितने ईमानदार रहेंगे। वहीं अंगूठे के बगल वाली उंगली यानी कि तर्जनी उंगली पर आधे चांद का निशान आपके जीवन में खास लोगों की और सफलता की दस्तक देता है। दोस्तों, यह बताता है कि आप जिस भी काम में अपना हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपके अंगूठे पर आधे चांद का निशान बना हुआ होता है तो ऐसे लोगों में कई तरह के गुण मौजूद होते हैं। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में तीन तरह के गुण बताए गए हैं जिसमें राक्षस गुण, देव गुण और मनुष्य गुण शामिल हैं। तो जिन लोगों के अंगूठे पर अर्धचंद्र का निशान होता है, यह लोग दैवीय गुणों से भरे हुए होते हैं, यानी कि इन लोगों में देवताओं के गुण शामिल होते हैं। यह लोग शांत स्वभाव के सहनशील होते हैं। इन लोगों में भविष्य को भापने की शक्ति होती है। इन लोगों का सिक्स्थ सेंस बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसकी वजह से यह सामने वाले के हाव भाव से ही उसकी आगे की गतिविधियों का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपने कई बार यह देखा होगा कि कुछ लोगों की कही हुई बातें सच हो जाती हैं और वो लोग जो कहते हैं वह होना तय होता ही है, या फिर कभी कभी भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में भी कई लोग पहले ही बता देते हैं। तो जिन लोगों में यह गुण होते हैं उन लोगों के अंगूठे पर भी अर्धचंद्र का निशान बना होता है। इसी के साथ अर्धचंद्र के निशान वाले लोग अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। यह लोग अपने मन की सुनते हैं, अपने दिमाग से चलते हैं और प्रखर बुद्धि के होते हैं। ऐसे लोग समाज में किसी बड़े पद पर बैठते हैं और अपने जीवन में मान सम्मान और धन दौलत कमाते हैं। यह लोग एक बार जिस चीज के बारे में ठान लेते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो यह लोग काफी जिद्दी स्वभाव के होते हैं और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को आजमाना चाहते हैं। साथ ही अंगूठे पर अर्धचंद्र के निशान वाले लोग जिम्मेदार तो होते हैं, लेकिन यह अपने मन मुताबिक काम करना पसंद करते हैं। उनकी जिम्मेदारियों को दूसरे
लोग पूरा कर देते हैं और यह अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। ऐसे लोग खुली आंखों से सपने देखना पसंद करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिश करने से भी नहीं चूकते। इसी के साथ जिनके दोनों हाथों की अंगूठे पर अर्धचंद्र का निशान होता है, वह लोग अपने जीवन में शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर इन पर पूरी जिंदगी मेहरबान रहते हैं। दोस्तों, इन लोगों को कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता और यह एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। इसके अलावा उनके जीवन साथी भी बिल्कुल इन्हीं की तरह समझदार, शांत और प्रखर बुद्धि के होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा गुरुजी ने यह भी बताया है कि जिन लोगों के अंगूठे पर अर्धचंद्र का बहुत छोटा निशान होता है या फिर अर्धचंद्र होता ही नहीं है, ऐसे लोगों को अपने आने वाले जीवन में हृदयघात की समस्या हो सकती है और इन लोगों की उम्र भी बहुत कम होती है। वहीं महिलाओं में जिन महिलाओं के हाथों की उंगलियों और अंगूठे के नाखून गुलाबी रंग के होते हैं और उन पर अर्धचंद्र का निशान होता है, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाली मानी जाती हैं। इन महिलाओं की किस्मत में राजयोग होता है और इन्हें धन दौलत और मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, लेकिन कई बार इंसान अपनी बेहतर जिंदगी की तलाश के लिए बहुत मेहनत करता है और कई लोगों को इसका फल भी मिल जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत उनका साथ कभी देती ही नहीं है, वह पाई पाई के लिए हमेशा मोहताज रहते हैं। तो ऐसे लोगों की जिंदगी में ग्रहों का हेर फेर बहुत महत्व रखता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो हो सकता है कि आपकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर हो। इसी के चलते गुरु जी ने चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए चावल के कई उपाय अपने भक्तों को बताए हैं, जिन्हें करके आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं और इन उपायों को अपनाने के बाद माता लक्ष्मी आपको भर भर कर झोली में धन दौलत के भंडारे दे सकती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रमा शांति का प्रतीक होता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा से जुड़ी हुई हर एक वस्तु आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है और यह चीज है चावल। तो अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्ति चाहते हैं तो पूर्णिमा वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाएं और एक साफ लाल रेशमी कपड़े में चावल के 21 दाने रख लें। ध्यान रखिएगा कि हम पूजा पाठ में जो चावल इस्तेमाल करते हैं उन्हें अक्षत कहते हैं और अक्षत ऐसे चावल होते हैं जो कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होते। तो आप साबुत चावल के दाने इस कपड़े में रखकर अपने मंदिर में रखें और माता लक्ष्मी की पूजा करें। चंद्रदेव का ध्यान करते हुए इस पोटली को अपने पैसे वाली जगह पर रख दें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी किस्मत रंग लाने लगी है। वहीं आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए भी आप चावल का उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए तांबे के एक लोटे में जल और रोली डालकर थोड़ा सा चावल डालें। अब हर रोज इस पानी से सूर्य देव को अर्घ दें। ऐसा करने से आपका सोया हुआ भाग्य जाग सकता है और आपको धन दौलत की प्राप्ति हो सकती है। वहीं अगर नौकरी या कारोबार में आपको लगातार मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही तो भी आप चावल के उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप मीठे चावल बनाकर कौवे को खिलाएं। ऐसा करने से आपको आपकी मनचाही नौकरी तो मिल ही जाएगी, बल्कि आप अगर व्यापार करना चाहते हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो व्यापार करने के नए नए रास्ते भी खुलने लग जाते हैं। और अगर आपके घर में हमेशा पैसों की दिक्कत बनी रहती है, आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो भी चावल आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह साबित हो सकते हैं। इसके लिए सोमवार वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनकर आधा किलो बिना टूटे हुए चावल लेकर महादेव के मंदिर चले जाएं। अब महादेव पर एक लोटा जल अर्पित करने के बाद एक मुट्ठी चावल लेकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें और बचे हुए चावलों को आप किसी जरूरतमंद या गरीब इंसान को दान में दे दें। इस उपाय को अगर आप लगातार 5 सोमवार तक करते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। वहीं अगर आपके घर में धन आता तो बहुत है लेकिन टिक नहीं पाता, आपकी बचत नहीं होती, आपके घर में बरकत नहीं हो पाती, तो अपने घर में बचत करने के लिए और धन को रोकने के लिए लाल कपड़े में 7 चावल के दाने रखकर पहले अपने घर के मंदिर में रखकर माता लक्ष्मी की पूजा करें
और चंद्रदेव और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके फालतू खर्चों पर लगाम लगेगी और आपके घर में धन की बचत होने लगेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।